17 मार्च सन 2018 शनि अमावस्या महत्व श्री शनि धाम शनि तीर्थ चित्र 16 फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन पूजन तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। मेरी आराध्य का अद्भुत दिन है। दिल्ली छतरपुर मेट्रो स्टेशन से शनि धाम आने और पुनः छतरपुर मेट्रो से छोड़ने के लिए निःशुल्क बस सुविधा है आपके लिए। आइए शनि धाम करिए दर्शन कि आपका कल्याण। ये निःशुल्क बस सुविधा के आर मंगलम इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ग्रुप वालों ने आपके लिए की है। नमन आ रहा है। नमन आ रहा है। 7 फरवरी सन 2018 और बुधवार का दिन। क्या आपका मन आपके कार्य में नहीं लग रहा है? क्या कार्य स्थल पर मन आपका उचाट रहता है, बेचैन रहता है, बिना वजह आलस रहता है, या बीमारियों ने आपको घेर लिया है? कारोबार में अनावश्यक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर को बीमारी समझ में नहीं आ रही, डॉक्टर की दवा काम नहीं कर रही, या फिर आपके जोड़ों में दर्द है। आज इन संपूर्ण समस्याओं का समाधान लेकर आ रहा हूं गुरुमंत्र। गुरुमंत्र पे आऊं उससे पहले हृदय से ये संदेश, ये आमंत्रण संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। 17 मार्च सन 2018 शनि अमावस्या महोत्सव, श्री शनि धाम शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करी शनि भगवान का दर्शन पूजन तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। मेरे आराध्य का अद्भुत दिन है। और 29 वर्षों से आराध्य की जिन बीज मंत्रों का मैंने जाप किया, उस बीज मंत्रों से अभिमंत्रित वो भाष्य और प्रसाद आपको शनि अमावस्या के पावन पर्व पधारी श्री शनि धाम शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर बेरी में करिए दर्शन की आपका कल्याण। एक निवेदन की 17 मार्च शनि अमावस्या महोत्सव पर संपूर्ण दिल्ली और एनसीआर के शनि भक्तों से मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा मेट्रो का प्रयोग करें, क्योंकि दिल्ली छतरपुर मेट्रो स्टेशन से शनि धाम आने और पुनः वापस छोड़ने के लिए निःशुल्क बस सुविधा है। और ये बस सुविधा के आर मंगलम इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन गुरु वालों ने की है। पधारिए शनि धाम और करिए प्रभु के दर्शन का आपका कल्याण हो। मेरे मित्रों ने मुझसे सवाल किया कि दाती महाराज, हम अपने कार्य स्थल पे जाते हैं लेकिन वहां हमारा मन ही नहीं लग रहा, मन उचाट रह रहा, मन बेचैन रहता, कामों में मन बिल्कुल नहीं लग रहा, बिना वजह आलस रहता, मन में स्थिरता नहीं, आलस और प्रमाद के कारण कार्य में सफलता भी नहीं मिली, करें तो क्या करें? भाई छोटा सा उपाय है और ये कर देना, और ये उपाय अद्भुत है। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार दिन ब्रह्म मुहूर्त में मिट्टी के पात्र में श्रद्धा अनुसार शहद भर दीजिए। शहद भरने के बाद एक लौंग लीजिए, लौंग को अपने हाथ में रख दीजिए। ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, इस मंत्र की 3 माला जाप करें। लौंग को अपने ऊपर से 7 बार उतार कर शहद में डाल दीजिए। अपने घर के ईशान कोण में इस पात्र को रख दीजिए। प्रत्येक सप्ताह इसे बदल दीजिए, नया रख दीजिए। पहले वाले बहते पानी या तालाब में प्रवाह कर दीजिए या किसी मंदिर में रख के आ जाए। अद्भुत है ये उपाय, करके देखिए। नमन आ रहे हैं। बात करते बुधवार के पंचांग। बुधवार का पंचांग फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी विक्रम संवत 2074। बुधवार का प्रातकालीन नक्षत्र स्वास्थ्य नक्षत्र चंद्रमा तुला राशि। अब मैं बात उनकी करता हूं जिनका आज जन्मदिन है या फिर शादी की सालगिरह है। 7 फरवरी आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, दोनों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। 7 फरवरी आपका जन्मदिन और निजगत कर्मों की वजह से आप परेशान, काम में मन नहीं लग रहा है, हमेशा आलस्य रहता है, हमेशा प्रमाद रहता है, बिना वजह बीमारियों से घिरे रहते हैं, संतान सुख में कमी है। इन संपूर्ण समस्याओं के निवारण के लिए अपने गले में चांदी की चैन धारण करें, बड़ा शुभ और बड़ा ही अनुकूल है। हर मंगलवार को श्रद्धानुसार साबुत मसूर सफाई कर्मचारी को दान में दीजिए, साथ
हनुमान जी को लाल चंदन का तिलक करें और अपने भी लाल चंदन का तिलक करें। अब करके देखिएगा सारे कष्ट मिल जाएंगे, मैं मना रहे। अगला कदम सितारों की ओर। और अब मैं आपको ले चलता हूं ग्रह नक्षत्रों की दुनिया में। क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र, आपके लिए मैं बात करूंगा बुधवार के राशिफल की। और सबसे पहले मेष राशि। सप्तम भाव का चंद्रमा पूर्ण मनो अनुकूल सफलता का संकेत दे रहा मेष राशि। संपूर्ण ग्रह नक्षत्रों की गणनाएं आपके अनुकूल है, शुभ है। चिर प्रत्याशित मनोकामना पूर्ण होगी। कारोबार के क्षेत्र में जो प्रयास आप कर रहे हैं उसे कोई नई सफलता आप हासिल करें। मित्रों का विशेष सहयोग प्राप्त होगा। और आप अविवाहित है, विवाह और सगाई का योग भी नजर आ रहा है। कारोबारी यात्राएं बड़ी शुभ रहेगी, न मना रहे क्या करें। परिवार की प्रसन्नता के लिए कार्य करना सौभाग्य होता है, तो अपने परिवार की प्रसन्नता पर थोड़ा सा ध्यान दें। क्या ना करें, अपने किए वादे से न मुकरे न मना रहे। और बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि ग्रह गोचर अनुकूल है, लाभदायक है। और गोचर ये संकेत दे रहा है कि सुफलों की प्राप्ति होगी। मित्रों और प्रियजनों से मिलने का अवसर प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी और सुख के साधन बढ़ेंगे। घूमने फिरने और मनोविनोद में समय व्यतीत होगा और मित्रों का सुख और सहयोग प्राप्त होगा। गोचर ठीक है। क्या करें, यदि आप कोई महत्वपूर्ण बातों को अंजाम देना चाहते हैं, कोई कार्य करना चाहते हैं, तो दिन ठीक है। क्या ना करें, पिता की बात की अवहेलना ना करें, नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों, संपूर्ण गणनाओं को देखने के बाद ये कह रहा हूं कि स्वप्रयास परिस्थितियों में सुधार होगा। प्रयास का मत रखना, स्वप्रयासों से परिस्थितियों में सुधार होगा। परिवार का साथ मिलेगा, सरकार से लाभ मिलेगा, जो विचारा वो पूरा होगा, मान सम्मान भी बढ़ेगा। लेकिन आय और व्यय को देखकर चलना, जितने आपकी आय है उतना ही आप कदम बढ़ें। थोड़ा सा पेट संबंधी कोई परेशानी नहीं हो, इसलिए खान पान के प्रति सचेत जरूर है, बाकी गोचर ठीक है। क्या करें, आज गरीब निर्धन कन्या में मिश्री का दान देके देखिएगा, बड़ा लाभदायक और बड़ा ही उचित होगा। क्या ना करें, जुए और सट्टा में धन ना लगाए न मना रहे। मेष वृषभ मिथुन की बात करी, कर्क सिंह कन्या की बात करूं, उससे पहले बुधवार का राहु काल और बुधवार की यात्रा। बुधवार का राहु काल दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे। राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। सलाह मेरी और मर्जी आपकी। और बात करते हैं यात्रा की। पश्चिम दिशा की यात्रा करना कारोबार की दृष्टिकोण से शुभ और मंगलमय है। मेरा कहना है कि समय और साधनों में बड़ा परिवर्तन आ गया। आप चारों दिशाओं में यात्रा करिए, लेकिन बुधवार के दिन गणपति के सिर चरण में गाय का घी का दीपक जलाए, दुर्वा भेंट करिए और साबुत धनिया चबाते हुए यात्रा पर जाइए। यात्रा और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि चौथा चंद्रमा है और चौथा चंद्रमा यह कह रहा है कि भूमि भवन और वाहन संबंधी कार्यों में पूंजी निवेश न करें, ऐसा संकेत है। आपकी कार्यशैली और आपके काम करने के तरीके की वजह से व्यावसायिक क्षेत्र में बाधा और परेशानियों की संभावना है। बहुत जरूरी आज कानूनी झंझटों से दूर रहे। बेहतर होगा कि ऋण का लेन देन नहीं करें और वाणी पर संयम रखे, अन्यथा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सुबह से लेकर शाम तक छोटा सा उपाय और आज ये कर लेना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करते तीन माला जाप कर, तीन माला जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर जल से अभिषेक करें। 10-50 11 बेलपत्र प्रभु की शिवलिंग पर अर्पित करिएगा, कष्ट कम आएगा, न मना रहे। क्या करें, कोई विवादित मुद्दे हैं तो आज उसको समाप्त करें। क्या ना करें, स्वजनों का फायदा उठाने का प्रयास ना करें, ना मना रहे। बात करते सिंह राशि। सिंह राशि वालों,
गणनाएं ये संकेत है कि जो पूर्व में आप काम किए, पूर्व में किए गए जो प्रयास है, उन प्रयासों के शुभ परिणाम आज प्राप्त होंगे। कार्य क्षेत्र में रुके हुए कार्य बनेंगे, कर्मचारी वर्ग का सहयोग मिलेगा, नौकरी में क्षेत्र में उन्नति के अवसर मिलेंगे और चारों ओर खुशियां हैं। स्वास्थ्य भी आपका उत्तम रहेगा। क्या कहें, गोचर एकदम अच्छा है। आज आप नवीन कार्य कर सकते हैं। क्या ना करें, किसी दूसरे को अपने कार्यों में दखलअंदाजी ना करने दें। नमूना निर्वाद करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों, गणनाएं थोड़ा सा मध्यम है और जब गणनाएं मध्यम हो तो परिश्रम बढ़ जाता है। लाभ प्राप्ति के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, वाणी पर संयम रखना पड़ेगा और बिना वजह की जो जल्दबाजी उसे रोकना पड़ेगा। वैसे परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा, संतान पक्ष से अनुकूल समाचार नजर आ रहे हैं और जिस तरह के घर योगा योग है। गणनाएं ये भी संकेत दे रही है कि सफलता मिलेगी, परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, अपनों के साथ घूमने फिरने का मौका मिलेगा। लेकिन कार्य क्षेत्र पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी और पारिवारिक जिम्मेदारियों के प्रति सतर्क रहना बहुत जरूरी, जागरूक रहना बहुत जरूरी। नमन है, क्या करें, संतुलन बनाकर चले, विचारों में, आय व्यय में और रिश्तों में भी। क्या ना करें, महत्वपूर्ण कार्य में जल्दबाजी ना करें। नमन है, करक सिंह कन्या की बात करिए, तुला वृश्चिक धनु की बात करूं, लेकिन उससे पहले वास्तु सलाह और आज का सुझाव। वास्तु सलाह, अपने व्यापार में सफलता के लिए अपनी दुकान और कार्यालय के प्रवेश द्वार पर गणपति की प्रतिमा या जुड़वा मछली लगा के देखिएगा, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा और लाभ मिलेगा। ये अद्भुत है, ऐसा मैंने विद्वानों से सुना। बात करते हैं आज के सुझाव। यदि संपूर्ण प्रयासों के बावजूद भी बीमारी जा नहीं रही या डॉक्टर को बीमारी समझ में नहीं, यार दवा काम नहीं कर, आप दवा लीजिए, डॉक्टर को दिखाइए, लेकिन साथ साथ आज के दिन 8 फिटकड़ी के टुकड़े अपने ऊपर से 7 बार उतार कर गोदली वेला में किसी चौराहे पर जाकर चुपचाप रख जाइए, या फिर चौराहे पर जाइए और दक्षिण दिशा में फेंक दीजिए, लाभ अवश्य मिलेगा। लेकिन डॉक्टर के प्रति कोई लापरवाही नहीं, न मना रहे। अब बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों, सितारों की चाल अनुकूलता का संकेत दे रही, भाग्य आपकी पक्ष में करवट ले रहा है, रुकी हुई कारण पूर्ण होंगे, धन लाभ और उन्नति के अवसर प्राप्त होगी, माता पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा, चल और अचल संपत्ति की प्राप्ति होगी और स्वास्थ्य उत्तम। गोचर जिस तरह का है, आज तुला राशि वालों मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा और चारों ओर आपका यश बढ़ेगा। नमोदा है, क्या करें, थोड़ा सा अपने लिए समय निकालिएगा आज के दिन। क्या ना करें, स्वार्थ और अहंकार वश कोई कार्य ना करें। नमोनारायण। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों, गणनाएं ये करी भाई, थम्बा थोड़ा सा, रुका गाई नको करा, जल्दबाजी नहीं करो, धीरज धैर्य संयम, ये आज की सफलता के उपाय है, क्योंकि भाग्य आपके पक्ष में करवट नहीं ले रहा है, क्योंकि कामों में परेशानी आ रही, अधूरा कार्य पूरा नहीं होगा, बीमारी से परेशानी नजर आ रही, सास और आत्मबल में कमी, बढ़ते हुए कार्यभार से भी परेशानी। आप क्यों भावित है भाई, दाती महाराज आपके साथ। ओम हम हनुमते नमः, आज प्रातःकाल 4 बजे से पहले नहा धोकर के इस मंत्र का जाप करिए, हनुमान जी के श्री चरणों में गाय के घी का दीपक जलाइए और श्रद्धानुसार गुड़ अपने उसे 7 बार उसार करके किसी विधवा स्त्री को दान में दीजिएगा, कष्ट कम आएगा। न क्या करें, बुद्धि और विवेक से कार्य करें। क्या ना करें, अपनों को सहयोग से इनकार ना करें। न मना रहे। और बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि वालों, गोचर ये कह रहा है कि प्रफुल्लित और प्रसन्नचित दिन बीतेगा आज का, मनोबल ऊंचा रहेगा, मन आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, क्योंकि गोचर शुभ है, उत्तम है, सितारे आपके पक्ष में है, बिगड़े हुए कार्य सरलता से पूरे होंगे, आवश्यकता अनुसार धन लाभ होगा, दाम्पत्य जीवन सुखी होगा और अपनों के साथ मनोरंजन के चल प्राप्त होंगे। क्या करें, यदि कोई धार्मिक या कार्य या कोई यात्रा संपन्न करना चाहते हैं तो समय उचित है। क्या ना करें, संतान की इच्छा का अनादर ना करें। तुला वृश्चिक धनु की बात करें,
पकड़ खूब मीन की बात करो उससे पहले उपाय और अद्भुत देसी उपाय। कुछ लोगों ने कहा दाती महाराज कई बार भूख लगती लेकिन खाना खाने का मन नहीं करता, खाना अच्छा ही नहीं लगता। लाख कोशिश कर लिया, दवा ले ली, सब कुछ ले गया, लेकिन कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। भूख है लेकिन खाना मन खाने का मन नहीं, क्या करें? भोजन को केले के पत्ते या पान के पत्ते और 7 जगह निकाले, अपने ऊपर से 7 बार उसारे, 7 बूंद गंगा जल, 7 लौंग रख रखे सी चौराहे पर रखा है। अब आप ये कर क्या आइएगा, कष्ट मिल जाएगा। नमनन और बात करते हैं आज के नुस्खे। जोड़ों में दर्द है तो प्रातःकाल खाली पेट 1 लहसुन की कली टुकड़े करके दही के साथ निकल जाए। आप निगल के देखिए महीना भर, फिर बात करते हैं नमन आ रहा है, नमन आ रहा है। बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों गणनाएं ये कह रही कि खुशियां मिलेगी, परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, राजनीतिक मित्रों के सहयोग से सामाजिक और व्यवसायिक उन्नति के अवसर प्राप्त होगी, लाभ मार्ग प्रशस्त होगा और धन लाभ होने से सुख के साधनों में वृद्धि होगी। सितारों की चाल भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है, सुख फलों का सिलसिला जारी रहेगा, महत्वपूर्ण कार्य संपन्न, चारों ओर खुशियां हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है मकर राशि। हाँ इतना जरूर कहना चाहता हूं कि किसी गरीब को मत सताना। आज गणनाएं आपके पक्ष में इतनी सुंदर है कि सफलता आपके दाम में चुपेगी, लेकिन किसी गरीब को यदि आपने सताया तो ये प्रसन्नता दुख में बदल सकती है। बस छोटा सा उपाय, गरीब को नहीं, किसी गरीब का हक नहीं मानना। यदि 2 रुपये का आपको नुकसान हो जाए भूल जाना, गरीब का भला हो जाए आपका 4 गुना ज्यादा भला होगा। नमन है, क्या करें? कार्य क्षेत्र में अपने अधिकारों का प्रयोग करें, क्या ना करें? बेवजह किसी से शत्रुता ना करें। नमन है, बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों संपूर्ण गणनाएं ये संकेत देरी के काम बनेंगे। ये अलग बात है गोचर मध्यम, और मध्यम गोचर में धैर्य से काम करना चाहिए, अपनों को साथ लेके चलना चाहिए, बिना सोचे समझे पूंजी निवेश नहीं करना चाहिए, बुजुर्गों की सलाह लेनी चाहिए, लेकिन गोचर आपका ठीक है। स्वजनों के सहयोग से घरेलू समस्याओं का समाधान होगा, थोड़ी संतान की जिम्मेदारी है पूरी हो जाएगी। कार्य क्षेत्र यदि मध्यम है परंतु बौद्धिक कार्य में सफलता हासिल करेंगे, आध्यात्म रुझान और संसानिधि का शुभ अवसर मिलेगा, क्या करें? संयम और विवेक से कार्य करें, क्या ना करें? गैर कानूनी कोई कार्य ना करें। नमन आ रहा है, और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों गोचर थोड़ा सा गोचरी संकेत दे रहे कि आज दुविधापूर्ण स्थिति रहेगी, इसलिए बहुत जरूरी है कि अपने निर्णय को बुजुर्गों के साथ जोड़ें, और ऐसा नहीं किया तो कारोबार के क्षेत्र में अस्थिरता उत्पन्न होगी, धन की चिंता है, और यदि विशेष कार्य में जल्दबाजी कर दिया तो मोटा नुकसान भी। आपकी कार्यशैली की वजह से अपनों का सहयोग नहीं मिल पाया, इसलिए अपनी कार्यशैली में थोड़ी सी सहजता लाई और अपनों का सहयोग लीजिए, थोड़ा सा खान पान पर ध्यान दीजिए, गोचर थोड़ा सा अनुकूल है, लेकिन डरिएगा नहीं भाई, ये तो गोचर है, मैं संकेत दे रहा हूँ, छोटा सा उपाय और ये उपाय अद्भुत रहेगा। आज ओम ग्राम ग्रीम ग्राम शा गुरुवे नमः बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करें, रबड़ी के माल पुए श्रद्धा अनुसार गरीब निर्धन स्वागन स्त्री जो बहुत निर्धन हो उसे आज श्रद्धा अनुसार रबड़ी के माल पुए अपने हाथ से खिला देना, देखना कष्ट कैसे मिलता है। नमन आ रहा है, क्या करें? अधूरे कार्य को पूर्ण करने का प्रयास, क्या न करें? यात्रा में कोई लापरवाही न करें। न मना रहे, छोटा सा ब्रेक, मैं ये खाली इतना कहना चाहता हूँ कि अनुभव शेयर कर रहा हूँ, लादने का स्वभाव नहीं है, सेकंड ओपनिंग का अधिकार आपके पास था, आपके पास है, आपके पास रहेगा। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद यदि आपके अपने कार्यों में अनावश्यक समस्याओं का सामना करना पड़े, कार्यों में बाधाओं का सामना, कार्यों में रुकावट है, इन रुकावट को कैसे दूर करें, भगवान गणपति को कैसे मनाएं, पूजा और मंत्र जीवन मंत्र और दर्शनों के लिए दाती धाम ले चलूंगा, लेकिन छोटा सा ब्रेक। नमो नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। 17 मार्च सन 2018 शनि अमावस्या महोत्सव है, दर्द आपके पास तो दवा है दीवादि देव शनिदेव, और है समस्या आपके पास तो समाधान है दीवादि देव। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर बीर में आपका स्वागत है, करिए शनि भगवान का दर्शन पूजन तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से शनिधाम आने के लिए दिल्ली छतरपुर मेट्रो स्टेशन से निःशुल्क बस सुविधा है, और ये व्यवस्था KR मंगलम वालों की तरफ से
आर मंगलम एजुकेशन ग्रुप है। आइए श्री शनि धाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में और करिए शनि भगवान के दर्शन कि आपका कल्याण। नमो नारायण। नमो नारायण। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। यदि आपको अपने कारोबार में अनावश्यक बाधाओं का सामना करना, कारोबार में विघ्न आ रहा है, तो आज के दिन नित्य कर्म स्नान उपरांत रेशमी वस्त्र धारण करें, भगवान गणपति को भस्म का त्रिपुंड लगाई, स्वयं अपने भी भस्म का तिलक लगाई, तत्पश्चात लाल चंदन की माला पर शुद्ध आसन पर बैठकर ओम विघ्न राजाय नमः इस मंत्र की 11 माला जाप। जाप के में दुर्वा लाल चंदन भगवान गणपति को अर्पित करें, देखिएगा कैसे परेशानियों से मुक्ति मिलती है। नमनानंद बात करते हैं आज के जीवन में। एक बार किसी संत से किसी व्यक्ति ने पूछा कि आप इतने बड़े हैं फिर भी नीचे बैठते हो। संत ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, नीचे बैठने वाला इंसान कभी गिरता नहीं। विचार करिएगा 17 मार्च 2018 शनि अमावस्या महत्व श्री शनि धाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन पूजन तिलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। मेरी आराध्य का अद्भुत दिन है। दिल्ली छतरपुर मेट्रो स्टेशन से शनिधाम आने और पुनः छतरपुर मेट्रो से छोड़ने के लिए निशुल्क बस सुविधा है आपके लिए। आइए शनिधाम करिए दर्शन कि आपका कल्याण। ये निशुल्क बस सुविधा के आर मंगलम इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ग्रुप वालों ने आपके लिए की है। नमो नारायण। नमो नारायण। अब समय है प्रभु के दर्शनों का, दर्शनों के लिए चलते दाती धाम। नमो नारायण। ॐ तत्सत् जय शनिदेवा। हरि 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 ॐ तत्सत् जय शनिदेवा। नमो नारायण। आप सभी ने प्रभु दर्शन किया, प्रभु आपका कल्याण करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। गुरु मंत्र में आज इतना ही कल्पना है। गुरु मंत्र में जन्मदिन की शुभकामनाएं। जन्मदिन का उपाय गुरुवार का राशि। यदि पारिवारिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो कैसे भगवान श्री हरि विष्णु को मनाएं? पूजा और मंत्र, जीवन मंत्र, दर्शनों के लिए दाती धाम ले चलूंगा। लेकिन आज अपनी गलती, अपने गुनाह और अपनी भूल की माफी मांगते अपनी वाणी में विश्राम दे रहा हूं। नमो नारायण। नमो नारायण। सत्रह मार्च सन 2018 शनि अमावस्या महत्व श्री शनि धाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन पूजन तिलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। मेरी आराध्य का अद्भुत दिन है।
दिल्ली छतरपुर मेट्रो स्टेशन से शनिधाम आने और पुनः छतरपुर मेट्रो से छोड़ने के लिए निःशुल्क बस सुविधा है आपके लिए। आइए शनिधाम, करिए दर्शन कि आपका कल्याण। ये निःशुल्क बस सुविधा के आर मंगलम इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ग्रुप वालों ने आपके लिए की है।